हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिड्यूस कर लेंगे, और ये जो डाटा है वो उसी का बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ जिनको 50-60% सैलरी मिली वो 18 है, 60-70 12, 70-80 16 और 80-90 4, ये सब परसेंटेज में है। इसका मतलब समझिए कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 100 है तो 50-60 उनको सैलरी मिलेगी और वो कितने पर्सन्स हैं, 18 पर्सन्स हैं। 60-70 तक की सैलरी लेने वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 12, 70-80 वाले 16 और 80-90 वाले 4। मिलनी उनको कितनी चाहिए थी, 100, लेकिन कोविड की वजह से उनकी सैलरीज को डाउन कर दिया गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, CF हमें कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी है, तो चलिए CF बनाते हैं। यहाँ पर CF बनाने का तरीका क्या है, पहला एज इट इज, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करते चलिए, 12 प्लस 18 30, देन 16 ऐड कर दो 46, फिर 4 ऐड कर दो 50 आ गया। ये हमारी CF तैयार हो गई। आगे पूछा है मीन सैलरी, मीन निकालेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगा दो, अज्यूम मीन लगा दो, स्टेप डेविएशन लगा दो, कोई भी लगा दो, कुछ मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्स आई तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, दैट इज मिड पॉइंट 55, देन 65, देन 75 एंड 85। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन इज क्वाइट लार्ज, मैं यहाँ पर मीन अज्यूम मेथड से जाऊंगा, किसी भी एक नंबर को मैं ए लेट कर लूंगा और फिर मैं निकालूंगा डेविएशन एक्स आई में से ए को माइनस करके। तो 55 में से 75 गए 20 नेगेटिव का, देन माइनस का 10, 0 और 10 आ जाएगा। अब मैं एफ आई डी आई का कॉलम तैयार करूंगा, एफ आई डी आई का कॉलम मैं तैयार करूंगा यहां पर। तो दिस इज एफ आई फ्रिक्वेंसी, 18 × 20 360 विद नेगेटिव साइन, 12 × 10 -120, 16 × 0 0, 4 × 10 40। तो ये मेरा सॉल्व करके आ जाएगा, नेगेटिव वाले नंबर अलग ऐड हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले नंबर अलग ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 480 प्लस 40 माइनस 440। तो एफ आई डी आई का समेशन माइनस 440 मेरे पास आ गया। अब मुझे मीन निकालना है, तो अज्यूम मीन के फॉर्मूला से ए प्लस एफ आई डी आई का समेशन अपॉन एफ आई, तो ए की वैल्यू तो 75 है, एफ आई डी आई माइनस 440 है, एफ आई टोटल एम्प्लॉयज 50 आए हैं, 0 से 0 कट कर दो, प्लस माइनस माइनस 44 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 8.8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 14 6 6, तो 66.2%, यानी कि एवरेज 66.2% यहाँ पर मीन सैलरी यहाँ पर आएगी 67। ओके, सही है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हूज सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय मोर देन 30%। तो ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं जिनकी सैलरी 30% से ज्यादा रिड्यूस हुई है, यानी कि 100 में से 30 माइनस करोगे 70, यानी कि उनको 70 से कम रुपए मिलेंगे, 70 से कम, 30% से ज़्यादा मतलब उनकी रिड्यूस हो रही है, तो 30% से ज़्यादा रिड्यूस का मतलब है उनको 70 से कम रुपीस मिलेंगे। तो 70 से कम कौन कौन से हैं, ये वाले एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि 30, 18 प्लस 12 30, तो 30 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको सैलरी 30% से ज़्यादा रिड्यूस होके मिलने वाली है, यानी कि 70 से कम उनको सैलरी रिसीव होगी।
तो 50 to 60 वाले आ जाएंगे और 60 to 70 वाले आ जाएंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ इम्प्लॉयज, वो इम्प्लॉयज फाइंड करो जिनकी सैलरी रिड्यूस हुई है एट मोस्ट 40%, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा मतलब 100 माइनस 40 60, यानी कि उनको 60 तो मिलते रहे, हो सकता है 60 से ज्यादा भी मिलते रहे हो, क्योंकि एट द मोस्ट होता है कि बस इतना ही, इससे कम चल सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलेगा, यानी कि रिड्यूस 40% मैक्सिमम है। हो सकता है 30% रिड्यूस किया हो सकता है 20% रिड्यूस किया हो, यानी कि उन्हें मिनिमम 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, 60 से ज्यादा मिल सकता है। तो वो कौन से इंप्लॉयज हैं, ये वाले 12, ये वाले 16 और ये वाले 4, तो यानी कि ये आ जाएंगे आपके पास 12 प्लस 16 28 प्लस 4 32। तो ऐसे इम्प्लॉयज जिनकी सैलरी रिड्यूस हुई है एट द मोस्ट 40%, वो 32 इम्प्लॉयज हैं। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। आई होप कि आंसर्स हमारे अप टू द मार्क हैं, बट फिर भी आई वुड लाइक टू से कि आप प्लीज़ एक बार इंटरनेट से, गूगल से या फिर किसी भी बुक से इसको क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।